हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। पहले तो सबको हैप्पी करवा चौथ, आज है करवा चौथ। और ये देखो मेरी मेहंदी जो मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लगाई, आई थिंक रात के 2-3 बजे ये मैंने खुद से लगाई है। और मैं फिर कुछ ऐसा इजी सा ही डिजाइन देख रही थी जो जल्दी लग जाए, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया था और बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तो बस ये मैंने लगाया, ये अभी रची नहीं इतनी ज्यादा, आगे मैंने ये लगाया। वैसे इसमें भी मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि अगर ये स्टार के मेरे पास स्टिकर होते ना तो मैं पूरे हाथ पे एकदम लगा के उसको स्टिकर को हटा देती, बट ये इन पे प्लेस बनाना, इनको डिजाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके आशीष को बोला कि प्लीज मेरे दूसरे हाथ पे अपना नाम लिख दो। तो ये देखो, ये उन्होंने अपना और कुंज का दोनों का यहाँ पे नाम लिखा है, जो कि ठीक ठीक लग रहा है। और ये देखो, ये कुंज भी आ गया है। इसको लगा पता नहीं मम्मा क्या कर रही है कैमरा में। हेलो कुंज, गुड मॉर्निंग। चलो अभी आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अभी बस मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ये भी बात करना चाहता है आप लोगों से। तो गाइज, यहाँ पर मैं अपना करवा चौथ का सारा सामान निकाल के ले आई हूँ। ये है मेरी करवा चौथ वाली छन्नी, ये प्लेट है थाली मतलब, और इसके जो दिए हैं ये हट गए, अभी मैं इनको फिक्स करूंगी। और ये है दूसरा सामान, इसमें मेरी ये जो परांदा होता है ये है, और ये मेरे कलीरे हैं इसके अंदर, और ये मेरे इसमें दुपट्टे हैं। ये दुपट्टा आई थिंक मेरे ससुराल से आया था, और ये मैंने कस्टमाइज कराया था क्योंकि मेरे को कंट्रास्ट में कुछ चाहिए था। और रुको, मैं आपको अपना ओरिजिनल दुपट्टा दिखाती हूँ। ये मेरे लहंगे का दुपट्टा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी था। आपको तो पता नहीं चलेगा, बट मुझे उठाने से इसको बहुत हैवी फील हो रहा है अभी। तो ये कस्टमाइज था, और उन्होंने ये वाला मेरे सर पर लगाया था, ये वाला साइड में लगाया था। और इसके अंदर है, बड़े से बैग के अंदर है मेरा लहंगा, यहाँ पे शॉप का नाम भी लिखा हुआ है। अभी मैंने सिर्फ अपनी ये ब्लाउज पहन लिया है लहंगे की, और अभी बस मैं तैयार होंगी, उसके बाद सबसे लास्ट में अपना लहंगा पहनूंगी। सो यहाँ पर मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं पीछे आशीष से भी बातें कर रही थी, और सामने मैं एक विंडो के बैठी थी, क्योंकि मेरे को अच्छी रोशनी चाहिए थी, क्योंकि मैं ये जो मेरा मेकअप था उसका शूट भी कर रही थी, और पीछे से कुंज मुझे पॉक किए जा रहा था। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मेरा सिर्फ मेकअप कंप्लीट हुआ है। अगर आपको लोगों को ये लुक भी देखना है तो इसका वीडियो भी कुछ दिनों बाद आएगा, मतलब इस वीडियो के 1 या 2 दिन बाद। और यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि बिंदी कैसे लगाऊँ, कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ बिंदी लगाते हुए। और बिंदी भी यहाँ पर मैंने लगा ली है, बट पता नहीं मेरी फिंगर में क्या रेड कलर लगा हुआ था कि बिंदी लगाते ही देखो थोड़ा सा हल्का सा स्टेन मेरे माथे पर आ गया है उस कलर का। और या दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक, ये वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। हेयर स्टाइल आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये मेरे शादी वाले ही रोज़ है जो मुझे लगाए थे उस टाइम पर बालों में, तो मैंने यहाँ हाफ में ही लगाए हैं। और ये मेरा मांग टीका और मेरा जो चूड़ा है शादी का, वो मैं यहाँ पर पहन रही हूँ। उसके बाद हम लोग करवा चौथ की पूजा करने लगे थे, और ज़्यादा मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रही थी, और उसके बाद थोड़ी बहुत हमने ऊपर ही छत पर रील्स शूट की, वो भी आपको अगेन मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सजना है सजना,
शहर वाली सा। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोगों ने फोटो शूट भी किया और यहाँ पर मैं बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, पूजा करके मैं आ गई हूँ और अभी मैंने ये कंफर्टेबल सा सूट पहन लिया है ज्वेलरी में। ये देखो मेरा, मैंने डबल साइडेड टेप लगा रखी थी। ज्वेलरी में अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि रात को फिर से मुझे तैयार होना पड़ेगा, फिर से लहंगा पहनना पड़ेगा, क्योंकि जो वो पूजा होती है ना वो फिर से आपको अपने शादी वाले लहंगे में ही करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं अभी अपना ना ये मांग टीका निकालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है इसकी ये दो डबल साइडेड टेप है, ये भी हट चुकी है तो कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। और ये वाला सूट मैंने पहना है और बाकी चूड़ा है, सब चीज़ है। हेयर स्टाइल मैंने आपको दिखाई दिया था, इस मेकअप का मैंने लुक भी क्रिएट किया है, आप वो वाला वीडियो भी देखना। और बस अब मैं खाने की तैयारी में लगती हूँ, क्योंकि रात को मुझे बहुत सारा खाना भी पूजना है और मेरी मेहंदी अभी थोड़ी थोड़ी डार्क होती जा रही है। काफ़ी सही लग रही है, सिंपल सी है, अच्छी सी है। बस अब मैं बहुत बिजी हूँ, अब खाना बनाऊँगी और फिर एकदम से रात हो जाएगी। मतलब आज सुबह से ना कुंज ने इतना परेशान किया हुआ है ना, आज पापा उसके घर पे है ना तो पापा की गोदी पे से बिल्कुल नीचे नहीं उतर रहा है। देखो मैं रुको अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, नीचे उतारना इसको, ये देखो मतलब गोदी से उतरते ही ऐसे मुंह इतना गंदा बनाएगा ना। बस ऐसे खुश हो आप। आज ही ना सुबह से सोया भी नहीं है, मतलब आज इतना मेरे को काम है ना, इतना काम है ना करवा चौथ का। और ये सुबह से जगा हुआ है, बस सुबह सो के उठ गया, उसके बाद से ये सोया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोया। और अभी मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, मेरे को इतना सारा खाना बनाना है और बस मैं अब लगती हूँ। अभी देखो यार 3:30 बज गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं 7 बजे तक सब कुछ रेडी करके फ्री हो जाऊँ। शाम तक ना मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना कि बस अब तो मैं लेटी रहूँ 2-3 घंटे। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट काम निपटा के सारा, उसके बाद मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँ, उसके बाद फिर मुझे पूजा भी करनी है। देखो कुंज को पापा के साथ में इतनी मस्ती आती है ना, मतलब पापा भी इसको इतना पैम्पर करते हैं ना इसके, कभी इसको कहीं ले जाएंगे कभी खिलाएंगे। अभी देखो भाई साहब जी ऐसे पैर दबा रहे हैं ना पापा से, बड़े हो गए आपको भी ऐसे ही दबाने हैं कुंज, इसे पापा से भी पैर दबवा रहे हो ना, बड़े हो के आपको भी ऐसे ही दबाने फिर पापा के पैर। अभी इसको मजा आ रहा है पैर दबवाने में। एंड गाइस ये देखो कुंजी ने ना मेरे लहंगे पर नीचे सुसु कर दिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ बाहर की तरफ रखा हुआ है कि ये थोड़ा सा सूख जाए ताकि मैं इसको रात में पहन सकूँ। मतलब वो खेल रहा था और बिल्कुल मेरे लहंगे के पास ही खेल रहा था और उसने सुसु कर दिया। अब फिर मेरे को ये पैक करके भी रखना होता है, इसलिए इसका सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इसको तार पर भी ऐसे हैंग करके नहीं लटका सकती। सो मैंने ऐसे ही इसको रखा हुआ है, जल्दी ही सूख जाए ताकि मैं इसको फिर से रात को पहन सकूं। तो गाइज मैंने बायना निकाल दिया है, ये रहे कपड़े, ये खाना, फ्रूट्स, इसमें भी खाना है इसमें भी खाना है, ये रहा मिठाई का डब्बा और यहाँ पे मैंने करी थी पूजा। एंड गाइज सॉरी मैं आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आप मेरी हालत देख लो क्या हालत होगी है सुबह से, मतलब जब से मैं पूजा करके आई हूँ ना उस टाइम तब से मैं खाने में लगी हुई हूँ और मैं अकेली ऊपर से छोटा बच्चा, तो बिल्कुल भी मेरे को टाइम नहीं लगा है। अभी थोड़ी सी मैं फ्री हुई हूँ क्योंकि अब मैं चांद निकलने के बाद ही बिजी होंगी, तो मैंने आपको दिखा दिया है पूजा का, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। सो चांद निकल चुका है और चांद इस बार जल्दी निकल गया था, उसने ज़्यादा वेट नहीं कराया। आई थिंक 8 या 8:30 बजे के लगभग चांद आ चुका था और बाहर में जहाँ पर मैंने अपना एक चांद बनाया था वहाँ पर मैं अपनी पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर दिया जला रही हूँ और जल लेके गई थी मैं, एक मिठाई लेके गई थी। यहाँ पे अब मैं चांद को देख रही हूँ और फिर मैं अपने चांद को देख के अपना फास्ट खोल लूँगी। गाइस दिस इज माय करवा चौथ गिफ्ट फ्रॉम आशीष एंड आई थॉट कि मैं इसको करवा चौथ वाले दिन ही पहनूंगी, क्योंकि आशीष ने मुझे ड्रेस पहले ही दिला दी थी, लेकिन आशीष को ना लहंगा ही पसंद है तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं करवा चौथ पे तुमको लहंगा ही पहनना है। सो इसलिए मैंने आशीष की वजह से लहंगा पहना और ये ड्रेस फिर मैंने बाद में संभाल के रख ली कि मैं इसको बाद में पहनूंगी। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज द ड्रेस एंड
ये जो ड्रेस है ये मैंने पर्पज से खरीदी है कि किसी का हल्दी या मेहंदी फंक्शन आएगा ये दोनों में चल जाएगी, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर भी है और इसमें येलो कलर भी है। सो मुझे बहुत सुंदर लगी थी ये ड्रेस, एंड इसमें यू नो इस तरीके की स्टेप है, तो मैंने इन्हीं स्टेप्स की वजह से ही इसको लिया है। खोल के मैं इसको अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं इसको जब पहनूंगी तभी मैं आपको इसको पूरा दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये। सो गाइज फाइनली मेरा फास्ट कंप्लीट हो गया है और बहुत ही अच्छे से हो गया है, एंड लुक एट माई हालत। क्या यार, कैसा अजीब सा हो गया फेस एकदम से ना, पूरा दिन मतलब इतना टायर्ड फील कर रही थी ना, एक तो फास्ट, ऊपर से इतना सारा काम, ऊपर से छोटा बच्चा, तो मतलब काम ना तिगुना हो गया था मेरा ना। और रुको, अभी मैं ना फास्ट खोलने के लिए बैठी हूँ, सोचा पहले आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। तो गाइज ये है मेरी फास्ट वाली थाली, ये है छोले, ये पनीर, ये मैंने वो शाही पनीर बनाया था, थोड़ा स्वीट भी होगा, इसमें मैंने काजू वगैरह की प्योरी डाली थी, एंड दिस इज रायता, बूंदी का रायता, ये कद्दू है, कद्दू मुझे नहीं पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैं वैसे आलू गोभी प्रिफर करती हूँ, बट उनकी वजह से मैंने स्पेशली कद्दू बनाया, राइस, एंड इधर है पूरियाँ, और साथ में मैं नमक लेके भी बैठी हूँ, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि खाने में कितना नमक है कितना नहीं है। आप लोग भी कॉमेंट्स में बताना कि कौन कौन लोग नमक लेके बैठते हैं। आज मेरा फास्ट था तो मैंने सब चीज़ें अंदाजे से ही डाली, नमक मिर्च वगैरह, अभी इसलिए मैं नमक लेके बैठी हूँ, क्योंकि मैंने कम ही डालता, क्योंकि कम का आपके पास सोल्यूशन है, आप उसमें और नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर डल जाए ना तो फिर तो मुसीबत हो जाती है, इसलिए मैंने कम ही नमक डाला था, इसलिए मैं नमक लेके बैठी हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं अपना फास्ट खोल लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जो इस लुक की मैंने यू नो करवा चौथ का जो मेकअप लुक किया है उसको भी जाके देखिए, आप लोग को वो भी पसंद आएगी। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ये देखो पापा बेटे का प्यार, मतलब अपने पापा के साथ ये बच्चा इतना खुश है ना, इतना खुश है ना, अभी से डिस्ट्रैक्ट हो गया, वरना आप लोग इससे पहले देखते ना, मतलब जो मैंने सीन देखा ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे और ऐसे स्माइल कर रहे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, और अभी भी देखो मतलब पापा के साथ इतना इंजॉय करता है ना ये पापा की कंपनी को, मतलब क्या सीन है यार, मतलब जो अटैचमेंट ना इसको मुझसे होनी चाहिए ना वो इसको अपने पापा से है, मतलब मुझसे भी अटैचमेंट है बट पापा से इसको थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, ये तो आपको मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। I'm not afraid to die।